एस्ट्रॉइड इंपैक्ट को ही इतनी बड़ी थ्योरी से ये बताया जाता है क्योंकि हमें उससे बना हुआ गड्ढा मैक्सिको कोस्ट के सी फ्लोर के अंदर मिला है। इसके सैंपल्स एनालाइज करने के बाद हमें पता चला है कि ये उसी एज की है जिस एज में नन बर्ड्स डायनासोर्स रहा करते थे। माना जाता है कि वो एस्ट्रॉइड करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई का था और एस्ट्रॉइड की वेलोसिटी की वजह से इसने करीब 150 किलोमीटर बड़ा गड्ढा कर दिया था। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ इस एस्ट्रॉइड के एक्सप्लोजन की वजह से डायनासोर्स की डेथ हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके एक्सटिंक्शन की और भी कुछ रीजंस हैं। हमारी धरती के ऑलमोस्ट 75% एनिमल्स अचानक से मर गए थे और ये सिर्फ एक बड़े से पत्थर की वजह से कैसे हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रॉइड हमारी धरती से बहुत हाई वेलोसिटी से टकराया था और टकराते ही वो वेपोराइज हो गया। इसने टकराने वाली जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया और आसपास के एरिया में पूरी तरह से तबाही मचा दी। इसके साथ ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हीट वेव उठा जिसने बहुत सारे मटेरियल्स को एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। उस एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ने सूट यानी कि ब्लैक कोलोइडल सब्सटेंस को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। इससे सूरज से आने वाली रोशनी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर पहुंचने वाली अमाउंट ऑफ लाइट कहीं गुना कम हो गई। सूरज की रोशनी ना होने से प्लांट लाइफ पर बहुत असर हुआ। प्लांट लाइफ की रिडक्शन की वजह से हर्बीवोरस एनिमल्स मरने लगे, जिस वजह से फिर कार्निवोरस एनिमल्स के लिए कम फूड आने लगा। ब्रीडिंग सीजन हार्श होने लगे और हर लिविंग एनिमल्स पर इसका असर होने लगा।